विक्टिम परिवार आ जाए। महिला दिवस पर नरेंद्र मोदी है, उन्होंने 100 रुपए गैस के सिलेंडर सब्सिडी बढ़ा दी है, कर दिया। ये बड़ा आसान है, पहले 400 के 1200 करते हैं, फिर 1200 घटा के 200 कम करते हैं इनको, और चुनाव के पहले 100 फिर कम कर देते हैं। तो ये है कि एक जेब से निकालो 500 रुपए और 100 रुपए वापस डाल दो, और कब डालो, जबकि चुनाव हो रहा हो, ये इनकी नीति रही है। भाजपा ने जो है साध्वी प्रज्ञा को टिकट नहीं दिया तो उमा भारती नाराज हो गई है, क्या कहेंगे? मेरे दोनों के साथ सहानुभूति है। दिग्विजय सिंह कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? पहली बात तो मैं लोक राज्यसभा का सदस्य हूँ, जिसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ तो जो आदेश होगा पालन करूंगा। बीजेपी कहेगी कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आए तो बीजेपी को फायदा होगा, उनको जो कहना कहने दीजिए। कांग्रेस कब तक अपने टिकट घोषित कर देगी? जल्दी उठ जाएगी। कितनी सीट जीत रही है? अब लड़ेंगे तो पूरी 29 सीटों को। हम इस सरकार आज कर देंगे। आप अपने खजाने से इनको सबको पेमेंट करो। सब बुद्धि उनको मिले, क्योंकि गैस सिलेंडर का भाव 400 था तब हेमा मालिनी जी, स्मृति ईरानी जी धरने में बैठती थी, आज 1200 करके 100 रुपये सस्ता किए हैं। तो ये लूटने का काम किए हैं कि सहायता करने का काम किए हैं? ये तो लुटेरे हुए अपने उद्योगपति मित्रों के। अभी बड़ी शादी हो रही है, हाथी का जूस आप लोगों ने पिया होगा, नहीं मिला हाथी का जूस? तो पैसा तो वहीं जा रहा है, ये गरीब लोगों के पैसे से ही 1000 करोड़ की शादी हो रही है, ये आपके पैसा है जिसे इतना इतने बड़े मतलब दुनिया की सबसे बड़ी शादी। और दूसरा वो जो हमारे यहाँ जो गए महादेव वाले, वो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, तो अंबानी यदि 1000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है, महादेव वाला क्या रखता है उसके सामने, वो 250 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया।